हाय गाइस, माय नेम इज इला एंड वेलकम बैक टू हर फैब वे। आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ स्पॉट जीरो स्क्रबर एंड ब्रश फ्रॉम द ब्रांड मिल्टन। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्क्रबर और ब्रश है, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि मार्केट में ऑलरेडी इतने आते हैं तो इसमें से क्या खास बात है। खास बात यह है कि इसके अंदर साथ में एक हैंडल आता है जिससे आप खड़े होकर ही पूरा बाथरूम बहुत ही अच्छे से क्लीन कर पाते हैं। कुछ लोगों को बैक प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को डॉक्टर्स ऑपरेशन के बाद झुकने के लिए मना कर देते हैं अगर आप प्रेग्नेंट हैं, या फिर सिंपली एज फैक्टर, जैसे कि ये ब्रश मैं अपनी मदर इन लॉ के लिए लेकर आई थी जिनके लिए अब झुके सफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली हम बाथरूम को क्लीन नहीं कर पाते, और इस ब्रश के और भी बहुत सारे फायदे हैं जो आपको आगे वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस प्रोडक्ट में आपको मिलता है एक हैंडल जिसकी हाइट आप एडजस्ट कर सकते हैं, और साथ में मिलता है एक स्क्रबर और एक ब्रश। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के अटैचमेंट्स हैं। स्क्रबर बहुत ही स्टर्डी है और ब्रश के ब्रिसल्स बहुत ही फ्लेक्सिबल हैं। स्पेशली इनकी शेप इनको एर्गोनॉमिक बनाती है। सबसे पहले हम इस हैंडल की बात कर लेते हैं। इसमें क्लिप मैकेनिज्म है। इसमें अंदर वाले रॉड को क्लॉकवाइज घुमाकर आप इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर आप इसकी हाइट लॉक कर सकते हैं। हैंडल के बॉटम पे ये क्लिप है जो कि अटैचमेंट्स को लॉक करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इस स्क्रबर की, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है, और जैसे कि आप देख सकते हैं ये काफी थिक है, विच शोज कि ये काफी ड्यूरेबल रहेगा। इसका ये वाला पार्ट हैंडल में अटैच हो जाता है, और आप अपनी क्लीनिंग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इसका एंगल भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इसका लॉक है, और इस साइड पर ये बेसिकली दो एंगल्स हैं जिन पे आप इसकी पोजीशन लॉक कर सकते हो। ये फर्स्ट पोजीशन हो गई, और ये सेकंड। उसके बाद हम बात करते हैं इस ब्रश की, जिसके ब्रिसल्स बहुत ही स्ट्रांग है और साथ में बहुत ही फ्लेक्सिबल भी है। इसके अंदर भी स्क्रबर वाला मैकेनिज्म है जिसका एंगल आप क्लीनिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये फर्स्ट पोजीशन हो गई, और ये सेकंड। बाथरूम क्लीन करने के लिए मैंने ये रेड हार्पिक लिया है, और अब इसको मैं स्क्रबर के ऊपर पोर कर रही हूँ। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ बाथरूम के अलग अलग कॉर्नर्स, जिनको आप बहुत ही इजीली इस प्रोडक्ट को यूज करके साफ कर सकते हैं, और उसके लिए आपको बिल्कुल भी झुकना नहीं पड़ेगा। आप खड़े होकर ही बाथरूम को 100% क्लीन कर सकते हैं। हम में से बहुत से लोगों के बाथरूम में टाइल्स ऊपर तक होती हैं, और वहां तक हमारा हाथ नहीं जाता तो उनको क्लीन करना मुश्किल होता है। लेकिन आप देखेंगे कि इस प्रोडक्ट को यूज करके मैं बहुत ही इजीली सारी टाइल्स बहुत ही अच्छे से क्लीन कर पा रही हूँ। इस तरह से हम अपने बाथरूम का हाइजीन और भी अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। जो हमारे वॉश बेसिन का पीछे का एरिया होता है, जनरली वो बहुत छोटा होता है, इसलिए हम वहाँ पर ठीक से सफाई नहीं कर पाते। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये ब्रश की शेप इतनी एक्यूरेट है कि हम बहुत ही इजीली इसको पीछे से क्लीन कर पा रहे हैं। इसी तरह से हमारी टॉयलेट सीट के साइड में भी बहुत ही कम जगह होती है, लेकिन आप इस ब्रश से वो वाला एरिया भी क्लीन कर सकते हैं। इसी तरह से ड्रेन के पास भी काफी डर्ट एक्यूमुलेटेड रहती है, लेकिन इस ब्रश को यूज करके आप वो पोर्शन भी साफ कर सकते हैं। मैंने ये प्रोडक्ट अमेज़न से लिया है फॉर 589 रुपीज, डिलीवरी चार्जेस एक्स्ट्रा। अगर आपको कोई एक ही अटैचमेंट यूजफुल लगे तो आप उनको सेपरेटली भी खरीद सकते हैं। सो गाइस, आपने देखा कि ये प्रोडक्ट कितना यूजफुल है, लेकिन इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। देखिए, अगर आप अपना बाथरूम डेली, वीकली या फोर्टनाइटली साफ कर लेते हैं तो उसके लिए तो ये बिल्कुल ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बल्कि बहुत ही इजीली आपका काम हो जाएगा।
लेकिन ये जो प्रोडक्ट है बहुत ही रिग्रेस क्लीनिंग के लिए नहीं बना है कि अगर कोई बहुत ही हार्श स्टेन हो उसको आप इस ब्रश से साफ करना चाहेंगे तो वहाँ पे थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि जो इसकी रॉड है और जो उसका इंटरलॉक है वो थोड़ा सा वीक है। इसलिए इस चीज़ को आप लेने से पहले ज़रूर ध्यान में रखिएगा। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा या फिर आपको लगता है आपकी फैमिली में किसी के ये काम आ सकता है तो ज़रूर इसको लीजिए, बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइज, आई होप आपने आज की वीडियो को एंजॉय किया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इसको लाइक करिए और ऐसी बहुत सारे इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोज़ के लिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टे ट्यून एंड सी यू सून एट हर फैब वे। बाय।